डी स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन मेरी टाइम स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं मेरी टाइम स्टैंडर्ड स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड्स की टाइप है जिसमें रहते हुए हम आर्गनाइजेशन के स्पेसिफिकली वो चीज़ें जो पानी के रेलिवेंट्स आप दोज के रेलिट्स या सी के रेलिट्स डील करते हैं उसको हम फोकस करें आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन मेरी टाइम स्टैंडर्ड अपि रिपेयरिंग शिप ब्रेकिंग ऑपरेशन नॉट आलरेडी कवर्ड बाई यू एस कोस्ट गार्ड रेगुलेशन यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोस्ट गार्ड रेगुलेशन इन चीज़ों को डील नहीं कर रही उसको जो चीज़ें डील कर रही हैं वो आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन मेरी टाइम स्टैंडर्ड इन को हम वन बाई वन देखते हैं जैसा कि इसका पार्ट नाइनटीन फिफ्टीन है ये शिप यार्ड एम्प्लॉमेंट मेरा मेरीन मेरीन टर्मिनल और लॉन्ग शोरिंग अब ये जो बेसिकली चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं इनका एक मकसद है वो ये है समंदर के हवाले से मेरीन समंदर की छोटे जहाज़ों के, के हवाले से शिपमेंट समंदर के हवाले से सी पोर्ट के हवाले से सी पोर्ट के रेलिमेंट जो बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से जो स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने डिज़ाइन किए हुए हैं इनको स्पेसिफिकली वहाँ अप्लाई किया जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स तो जब हमने चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी हैं उनको डिज़ाइन करना है इंजीनियरिंग का काम करना है सिविल इंजीनियरिंग का तो वहाँ कैसे इसको अप्लाई करना है दी स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू एम्प्लॉयर इन्वाल्व इन कंस्ट्रक्शन अल्ट्रेशन और रिपेयर अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उसको रिपेयर करना है मेनटेन करना है उसके भी स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड्स को हमने एग्जीक्यूट करना है इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड दी स्टैंडर्ड्स आर कंटेंड इन पार्ट 1926 ले के जी तक इसके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको लेके हमने आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के हवाले से डील करना है समटाइम आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन डज नाट बेसिकल इन पार्ट एंड बी कंसिक दो सब पार्ट नो रेलिटर ए और बी की जो क्लास है वो यहाँ डील नहीं कर रही लेकिन उसके अलावा जी तक क्लासेज हैं जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को डील कर रही हैं लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है मेंटेन करनी है रिपेयर करनी है अपग्रेड करनी है तो उसके जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं तो हमने वो बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए पहले मुकम्मल बिल्डिंग को कवर करना है किसी जाली के साथ ताकि उसका कोई मटीरियल अगर गिरे तो वो ग्राउंड के ऊपर ना जाए बल्कि उस जो जाली हमने उसके साथ अटैच की हुई है उसके ऊपर ही रहे ताकि किसी किस्म की हैजर से बचा जा सके स्टैंडर्ड इज एन ऑपरेशनल प्रिंसि क्राइटेरियन आर रिक्वायरमेंट आर कम्बिनेशन ऑफ दिस ये डी ए स्टूडेंट्स डेफिनेशन है किसी स्टैंडर्ड्स की और कोर्स स्टैंडर्ड्स एंड कोर्स में होता क्या है हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में ये देखते हैं कि आर्गनाइजेश्स के वो असूल जो पहले से वजह करता है रिक्वायर्ड हैं या एक से ज़्यादा असूल भी हो सकते हैं जो मिल के किसी चीज़ को सेट करते हैं उसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं और कोड इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कोड होते हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स का सेट है मजमू है स्टैंडर्ड्स मिल के कोड बनाते हैं और स्टैंडर्ड्स के लिए प्रिंसिपल्स का होना लाजम है बेसिकली अ कोड इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रूल्स और रेगुलेशन रिलेटिंग टू सम स्पेसिफिक एरिया इसको हम लोग कोड स्टूडेंट्स बोलते हैं स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन मॉडर्न सेफ्टी एंडमेंट एंड एन जी ओ न अगर आप चाहते हैं कि आर्गनाइजेशन के अंदर कोई टास्क हो परफॉर्मेंस हो कंस्ट्रक्शन हो डिज़ाइन हो मेंटेनेंस हो तो उसके अंदर दो चीज़ों का होना लाजम है स्टैंडर्ड्स और कोर्स का अगर स्टैंडर्ड्स और कोर्स मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन के जो ऑब्जेक्टिवस हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं